बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी फ्रेंड्स, तो अभी हम करवाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको थोड़ी थ्योरी, इसकी बैकग्राउंड में जो थ्योरी है वो आपने थोड़ी पढ़नी होगी। तो सबसे पहले मैं उसकी थ्योरी को आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे इसमें है क्या। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो आता है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ठीक है। तो ये असल में क्या चीज़ है, फिर दूसरा है अलजेब्रिक फंक्शन, ये क्या चीज़ है। तो इसकी मैं कुछ थ्योरी आपको बताता चलूँ, आफ्टर डेट यू कैन डू द एक्सरसाइज क्वेश्चन नाउ। अच्छा, अब यहाँ पे जो मेन जो बात है ना, तो टाइप्स कैलकुलस के जो है, कैलकुलस की दो टाइप्स है। इसमें जो पहला आता है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन और दूसरा है अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब व्हाट इज ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, देखिए अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स इस तरह हो, देखिए आपको मैं बताता चलूँ कि पी एन ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, चले ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन अप टू ए टू एक्स टू प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए जीरो। अच्छा देखिए, अगर आपको इस तरह का एक फंक्शन नजर आ जाए तो आपने कहना होगा कि ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। मतलब क्या हुआ कि देखिए, ए में ए की बेस क्या है, एन है, तो एक्स की पावर क्या है, एन है, ठीक है। फिर ए की बेस क्या है, एन माइनस वन, एक्स की पावर क्या है, एन माइनस वन। तो देखिए, अगर आपको किसी भी टेस्ट में, मुख्तलिफ टेस्टों में एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि आपको अगर दिया जाए कि अगर ए थ्री एक्स की पावर थ्री प्लस ए टू एक्स की पावर टू अप टू सो आर, ठीक है, तो ये आपके पास ये कौन सा फंक्शन है, तो आपने कहना होगा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। इसका क्या मतलब है कि देखिए, ए की बेस क्या है, ए की बेस थ्री है, तो एक्स की पावर क्या है, थ्री है। फिर यहाँ पे देखिए, प्लस के बाद देखिए, ए की बात आप पेज नंबर 13 देख रहे, ठीक है। अच्छा, ए की बेस क्या है, टू, तो एक्स की पावर क्या है, टू। तो अगर इस तरह का एक फंक्शन आपको नजर आ जाए तो आपने ये कहना होगा कि ये हमारे पास है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि अच्छा जी, अब आगे चलते हैं थोड़ा। अच्छा, ए एन, इसमें ए एन क्या है, ए एन, इसमें ए एन ये जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। ए एन के बारे में लिखा गया है कि ए एन कभी जीरो नहीं हो सकता, विद एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, और एन को हम डिग्री भी कहते हैं, इस पॉलिनोमियल की डिग्री, हम इसको डिग्री कहते हैं, और ए एन को हम लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना होगा कि यहाँ पर इस तरह भी आ सकता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन में ए एन क्या है, आ सकता है कि कोई भी किसी भी टेस्ट में ये एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर नीचे आ जाते हैं कांस्टेंट फंक्शन। देखिए, कांस्टेंट फंक्शन का क्या मतलब है, देखिए आप इस तरह कर ले कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो, ठीक है। अच्छा, आप इस तरह करें सी, तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि देखिए, आप जब एक्स को वन देंगे तो एफ वन इज इक्वल टू, ये हमको वही सी देगा। अगर एफ को आप टू देंगे तो ये हमको वही सी देगा। अगर एफ को आप थ्री देंगे तो ये हमको वही सी देगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप किसी भी फंक्शन में प्लॉटिंग कर लेकिन उसकी जो वैल्यू आ जाए, डिफरेंट वैल्यू पर एक ही वैल्यू आ जाएंगे, तो उसको हम कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, लीनियर फंक्शन वो होता है कि जिसकी पावर वन हो। मतलब क्या हुआ कि ए एन प्लस इस तरह ए वन एक्स प्लस ए जीरो, ठीक है। तो एक्स पावर वन, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास लीनियर फंक्शन। ये हमने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा कि आपको तो मतलब ये मालूम होना चाहिए। अच्छा, फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन जिसकी पावर टू भी, किसी भी फंक्शन की पावर में जब टू हो, पावर टू हो, इसकी पावर क्या हो, टू हो, तो हम उसको क्वाड्रेटिक फंक्शन कहेंगे। क्यूबिक फंक्शन उसको कहेंगे जिसकी पावर थ्री हो, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें है डिग्री जब उसकी फोर हो जाए तो ये बाई क्वाड्रेटिक हो जाता है, और इस तरह आगे चलते जाएगा। अच्छा, अलजेब्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, जब आपने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 12 में और चैप्टर नंबर 8 में कुछ हमने क्वेश्चन की थी, तो ये हमारे पास वो अलजेब्रिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप फर्स्ट ईयर की जो जितने भी क्वेश्चन है 12th चैप्टर में है मेरे ख्याल से, वो सारे के सारे क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। द फंक्शन इज कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शन, इज अलजेब्रिक फंक्शन आल्सो सम। अच्छा, अलजेब्रिक फंक्शन को हम ऐड, सबट्रैक्ट और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड टेक रूट्स। अच्छा, इसका रूट मिले। अच्छा, कह रहा है कि यहाँ पर इतनी इसकी कोई बहस नहीं की गई, इसमें यही बताया गया है कि हम अलजेब्रिक फंक्शन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कुछ कर सकते हैं। चलिए, फिर आज आगे जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की आप एक बात याद रखिएगा कि व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
बी की पावर एक्स, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। अच्छा ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लेकिन इसकी इसकी जो इसमें जो बात की गई, इसमें कहा गया कि बी इज ग्रेटर देन जीरो और बी इज नॉट इक्वल टू वन, ठीक है। इसमें दोनों केस है, अगर बी हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और बी हमारे पास, ये दो केस है इसमें, ठीक है, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये दो केसेस है, ठीक है, और बी ग्रेटर देन वन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर जब हम वन पुट करेंगे तो इसमें हमारे पास इमेजनरी पेयर पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, आयोटा हमारे पास इसमें क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ये जो फंक्शन है ठीक नहीं है, ठीक है, आंसर नहीं देगा मतलब, ठीक है। अच्छा, और ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब क्या है कि इसकी डोमेन में जीरो शामिल नहीं है, मतलब क्या है कि डोमेन इसका क्या होगा, इसकी जीरो शामिल नहीं है, और जीरो से सारे बड़े नंबर शामिल है पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव नहीं। अच्छा अब यहाँ पे जो बात की गई है कि बेस, अच्छा अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो आपको यहाँ नजर आएगा एक्सपोनेंशियल लॉ। तो व्हाट इज एक्सपोनेंशियल लॉ, देखिए एक्सपोनेंशियल लॉ में हमारे पास कुछ बेसिक तीन जो चीज़ें हैं जिसको हम पढ़ते हैं, इसको करने से आपका एक्सरसाइज जो 1.2 है इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आप बुक दे दे, बुक देख ले, बुक के देखने के बगैर आपको क्लियर नहीं होगा, पेज नंबर 14 पर देख ले कि ए की पावर एक्स इज एन ए की पावर वाई, मतलब क्या है कि ए एक्स और ए वाई, ये हमारे पास ये पहला वाला है, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसको हम इस तरह भी देखिए कि अगर इन द बेसिस आर सेम द पावर विल बी एडेड, ठीक है, अगर बेसिस सेम हो तो हम किसी भी दो किसी भी हम उसकी पावर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा फिर इस तरह आगे गए हैं, डिवीजन में है, अगर मतलब क्या है कि ए एक्स और बी डिवाइड बाई बी की पावर एक्स, चले मैंने दोनों एक्स दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो बात की गई है, देखिए अगर आपको इस तरह का आ जाए ए एक्स और डिवाइड बाई बी की पावर एक्स, बी की पावर एक्स, ठीक है, डिवीजन में है, तो हम इस तरह कर सकते हैं कि ये ऊपर चला जाएगा, मतलब क्या है कि ए नहीं, मतलब ये है, मतलब मेरा मेरे कहने का मतलब ये है कि हम डिवीजन को किस तरह कर सकते हैं, इसको हम ए एक्स माइनस एक्स या एक्स माइनस वाई जो भी हो आपको, हाँ अच्छा मतलब क्या है मेरे कहने का, जो मतलब है कि हम डिवीजन में देखिए इधर क्या था कि बेस सेम तो हमने पावर को ऐड कर लिया, ठीक है, फिर दूसरे में क्या है कि डिवीजन में था ए एक्स डिवाइड बाई बी वाई ए वाई, ठीक है, ये हमारे पास है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये जो बेस है ये ऊपर चला जाएगा, मतलब क्या है कि ए एक्स माइनस वाई, ठीक है, लिख सकते हैं। अच्छा अब नीचे आ जाए, इस तरह आगे चलते जाइएगा, अच्छा अगर इस तरह हो ए एक्स और होल पावर वाई, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए एक्स वाई, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया वाई को अंदर में भेज गया, ठीक है, तो आप इसको देख ले, इसको देखने के बगैर मतलब आपको ये क्लियर नहीं होगा, तो आप मेहरबानी करके कि इसकी जो पहली लाश है इसको देख ले, क्योंकि पहले लास्ट से आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा फिर है कि ए एक्स की पावर, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू, दूसरी वाली की मैं बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू ए की पावर वाई इफ ए एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा देखिए अगर आपको इस तरह आ जाए, देखिए अगर ए की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर वाई आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, एक्स और वाई बराबर होगा, ये यही पे यही दूसरी पार्ट दूसरी में यही बात की गई है, मतलब क्या है कि अगर इस तरह आ जाए ना कि 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 2, तो आपने क्या करना होगा, इस तरह करना होगा कि x हम x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 2 होगी, तो ये हमारे पास ये दूसरी फंक्शन में यही सिर्फ यही बात की गई, ठीक है। अच्छा फिर आगे चलते हैं, इसी जो तीसरा जो पार्ट है कि फॉर x इज इक्वल टू 0 और ए एक्स इज इक्वल टू, अच्छा जी बी एक्स बराबर हो इफ ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी, अच्छा अगर ए एफ के बराबर हो तो एक्स हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्स अगर जीरो ना हो तो ए एक्स की पावर ए एक्स ए की पावर एक्स ये बराबर होगी बी की पावर एक्स के, अगर ए बी के बराबर हो, ठीक है, तो ये इंतहाई आसान है, ये एक्सपोनेंशियल आप देख ले, इसमें एक्सरसाइज के जो पहले दो क्वेश्चन है वो आपके हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा बेस बेस ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अच्छा इस अब ये क्या है बेस ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बेस है क्या, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ कि इसकी जो सारी इंग्लिश में दो बातें की गई है कि असल में हम क्या करते हैं कि हमारे जो मैथ्स में हमारे जो बुक्स में ज़्यादातर दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, एक्स ई, सबसे पहले ई, ई क्या है, अच्छा ई ई के बारे में मैं बताता चलूँ, और दूसरा हमारे पास जो है वो
10 की पावर x है, ठीक है, ये तो ज्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा तो 10 की पावर x और e ये हमारे पास बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अच्छा अब यहाँ पर देखिए e आपने पाई का तो सुना होगा, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, पाई की वैल्यू 3.14 तो हमारे पास पाई की वैल्यू होती है, देखिए ना अब कुछ सवाल इस तरह का पाई की वैल्यू कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि हमारे पास पाई की वैल्यू 2x होनी चाहिए, नहीं बल्कि इसके बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाती है, तो इसलिए हम इसको पाई को मतलब कांस्टेंट भी नहीं कह सकते क्योंकि पाई कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि पाई कांस्टेंट है, पाई किस तरह कांस्टेंट है, पाई तो के तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आती है, देखिए 3.14 आप जाती जाए, इस तरह इसकी मिसाल ई की भी है, जिस तरह पाई है ना इस तरह ई भी है। देखिए ई हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे चलते हैं, देखिए यहाँ पे नंबर 15 पे ऊपर जो एक वो दिया गया है, क्वेश्चन सा दिया गया है, एक एग्जाम्पल सा, अच्छा 1 + 1/x, ठीक है ये हम बोलते हैं, ठीक है अब याद रखिएगा कि आप इसमें वैल्यू फुट कर लें ये 2 से आगे नहीं जाएगा, आप इसमें लाखों वैल्यू फुट कर लेने के लिए 2 से आगे नहीं जाएगा। अच्छा आपका कैलकुलेटर जो कि बेसिक चीज़ें हैं कि आपको आगे जाने के लिए इसकी जो यूज़ है आपको पता होना चाहिए। अच्छा इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप इस तरह कर लें कि आपकी कैलकुलेटर में सबसे पहले खेल की जो जो क्या है बटन है ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ज़्यादा इस कैलकुलेटर में ये नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो सबसे पहले हैं कि 1 + 1/x की होल पावर x, ठीक है तो इसको हम कंप्यूटर में किस तरह लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है फिर ऐड का निशान लिखेंगे। अब फ्रैक्शन के लिए आप इस तरह कर लेना, शिफ्ट के नीचे एफ से उसके नीचे केल है और उसके नीचे जो फ्रैक्शन का जो ऑप्शन है वो आप क्लिक कर ले, ठीक है उस पर ऊपर 1 है फिर नीचे आ जाएगा इस तरीके से, नीचे आ जाएगा फिर उधर क्या है एक्स है। अच्छा एक्स को जब आप कंप्यूटर में लाएंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप डिनोमिनेटर में देखें, जब आप जी तो जब भी आप देखिए अब नीचे हमने क्या करना होगा x को पैदा करना होगा, तो x को यहाँ पे लिखने का तरीका जो है आपने शिफ्ट के जो साथ में है जो अल्फा आपने इसको प्रेस करना होगा, अल्फा को प्रेस कर लिया, ठीक है फिर नीचे आ जाएगा और यहाँ पे जो जो ब्रैकेट ब्रैकेट है ब्रैकेट आप इसको इसके अंदर जो लिखा गया है x तो आप इसको प्रेस कर लें, ठीक है तो ये हमारे पास x आ गया। फिर इसमें होल ब्रैकेट को किस तरह लाएंगे, देखिए होल ब्रैकेट का तरीका ये है, ये ब्रैकेट मैंने एक तरफ प्रेस कर दिया और फिर ऊपर जाए इस साइड चले दूसरी साइड फिर मैंने ये प्रेस कर लिया। अच्छा अब इस तरह आप इस तरह कर लें कि आप उसकी पावर हो जाए पावर, तो देखिए पावर का तरीका तो हमारे पास बहुत आसान है कि एक्स को आप प्रेस करें इसको जो पावर में लाने के लिए मतलब एक्स की वो जो इस तरह का एक निशान दिया गया है आप इसको प्रेस कर लें, ठीक है तो इसका पावर क्या हो जाता है एक्स आ जाता है, किधर है एक्स पुट कर ले पावर अल्फा और एक्स आप देख लें यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉरी, तो जो नीचे था वह मैंने यहीं पर भी बना दिया। अब देखिए जब आप इसमें ये केल का बटन जब प्रेस करेंगे ना केल का तो क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे आपको ये जो फंक्शन है ये आपको एक्स की वैल्यू मांग रहा है, देखिए आप इसमें वैल्यू फुट करते जाएं आप लाखों वैल्यू फुट कर लेना इससे 2 से ही आगे नहीं जाएगा, करोड़ों वैल्यू पुट कर ले 2 से ही आगे नहीं जाएगा, आप पुटिंग कर ले और देखिएगा अपने साथ जो वैल्यू है वो आप लेके, ठीक है ना जैसे कि मैं अभी ये कर रहा हूँ, ठीक है अच्छा फोकस क्यों नहीं हो। अच्छा अब देखिए मैं x में सबसे पहले पुट करता हूँ, यार जो उन्होंने पुट किया 1 तो इसने मुझे 2 दिया, बिल्कुल 2 दिया, अच्छा ये हम उसने 2 दिया, फिर मैं केल के बटन को प्रेस करता हूँ, मैं इधर पुट करता हूँ 10 तो इसने मुझे क्या दिया 2.59, ठीक है। अच्छा फिर मैं केल के बटन को प्रेस करता हूँ, फिर मैं इसको लाखों में दे रहा हूँ, ठीक है बहुत ज़्यादा 10 करोड़, ठीक है एक बार प्रेस करता हूँ, इसने मुझे दिया 2.72, मैं इसमें आगे जाता हूँ, मैंने तकरीबन बहुत ज़्यादा 0 गान
तो देखे ना ये टू से आगे नहीं जाएगा, आप इसमें लाखों की वैल्यू फोट कर ले, लेकिन यू टू से आगे नहीं जाता, इसलिए इनको जो नाम दिया गया है उन्होंने ई दिया है इसको, कि ये टू से आगे नहीं जा रहा, तो इसलिए इनको इन्होंने इसको ई का नाम दे दिया कि चले ई हमारे पास है। आप देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले अल्फा को प्रेस कर ले और ई, ई किधर है जी, देखिए आप इधर नीचे देखिए पाई के साथ ई भी है, तो अल्फा के बाद हमारे पास ई आ जाती है। जब आप अल्फा प्रेस कर रहे और नीचे पाई की जो पाई की जहाँ पर पाई है उस पर बटन को प्रेस करेंगे, तो इक्वल लगाने से आपको क्या आएगा 2.72, ठीक है। तो ये हमारे पास है वो ई, और बेस जो 10 है और पावर एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी इंग्लिश में आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर ये इस्तेमाल हो रहा है कि हमारे जो मैथ्स में के 10 रेस्ट टू पावर एक्स, एक्स हमारे पास जो भी हो सकता है लेकिन 10 ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, इस तरह नहीं होगा कि 5 रेस्ट टू पावर एक्स, ज़्यादातर 10 रेस्ट टू पावर एक्स इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा फिर नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो पेज नंबर 15 की जो लास्ट पे है कुछ क्वेश्चन दी गई है, एक क्वेश्चन दिया गया है कि एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर 1.3816, ठीक है। मतलब क्या है, ये हमारे पास एन इज इक्वल टू, मैं इसकी जल्दी जल्दी कर देता हूँ, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर 1.3816, तो ये हमारे पास वो है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जो मैं आपको बता चलूँ, यहाँ पे बता रहा है कि आप 1 आवर मालूम करें, 3 आवर मालूम करें, 4 आवर मालूम करें, तो आप ई टी में पुटिंग कर ले, ठीक है। टी में आप पुटिंग करते जाए आपको वैल्यू आएगी, ठीक है, बहुत ही आसान है। लेकिन आप यहाँ नीचे आ जाइए सॉल्यूशन में, एन इज इक्वल टू 25 ई की पावर 1.386 टी, तो टी में आप 1 पुट कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, ई की वैल्यू आपके पास है 2.72, ठीक है, आप पुटिंग कर ले आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन विदाउट कैलकुलेटर नहीं, आप इसमें ज़रूर कैलकुलेटर को इस्तेमाल यूज़ कर, यहाँ पेज नंबर 16 पे देखे ना, यहाँ पे लिखा गया है कि यूज़ अ कैलकुलेटर, ठीक है ना, तो कंप्यूटर की मदद से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा फिर आगे एक्सरसाइज में चले जाते हैं, तो इससे आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका हो गया, ठीक है। 1 में क्या है कि देखिए सॉरी 4 की पावर क्या है, 4 की पावर 3x और होल पावर क्या है 2y, तो हमने इससे पहले ये बताया था कि अगर इस तरह देखिए इस तरह था कि a की पावर x और होल पावर y, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं a x y, ठीक है, लिख सकते थे। तो इसका भी यही तरीका है कि देखिए 4 की पावर आप इस तरह कर ले, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, तो 6xy, ठीक है। अच्छा अब इसकी जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही आसान है, मतलब सिक्स का एक्सरसाइज इंतहाई आसान है, आप इसको कर ले पहले। अच्छा अब नीचे आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 में, मैं आपको ये दूसरा नंबर पहला पार्ट बता देता चाहूँ कि देखिए 10 की पावर क्या है 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 10 की पावर 5x माइनस 6। अब ये क्या है, हमने कहा था कि जब बेसिस सेम हो, अगर बेसिस हमारे पास सेम हो और इक्वल हो तो इसकी पावर हम इक्वल लेंगे, ठीक है, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 5x माइनस 6। आप इससे x की वैल्यू फाइंड कर लें, किस तरह x को x की तरफ कर ले, जो x को 3x और 5x को इकट्ठे कर ले और माइनस 2 माइनस 6 को इकट्ठे कर ले, आप इस x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल हमको बता सकते हैं। अच्छा अब आगे चलते हैं इसमें थोड़ा, ये पहले 2 क्वेश्चन तो आपके हो गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या है आगे है कि लॉगरिथम फंक्शन। देखिए जब भी आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स लेंगे ना, तो वो आपका लॉगरिथम फंक्शन हो जाता है, ठीक है। देखिए जब भी आपसे कोई सवाल कर ले कि व्हाट इज़ द लॉगरिथम फंक्शन, तो आपने यही बताना होगा कि आप जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स लेंगे तो वो आपका क्या हो जाता है, लॉगरिथम फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखे ना, एक्स इज इक्वल टू ये हमारे पास बी ऑफ वाई, ठीक है, ये हमारे पास एक्स का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब इसका इन्वर्स थिंग किस तरह लेंगे, देखिए इसकी जो इन्वर्स का तरीका होगा कि वाई इज इक्वल टू लॉग बी ऑफ एक्स, बी बेस, ठीक है। अब देखिए अगर आपको इस तरह का कोई फंक्शन कोई दे दे कि वाई इज इक्वल टू लॉग बी ऑफ एक्स, ठीक है, इस पर आगे एक्सरसाइज भी आ रहा है, तो देखिए इसका जो तरीका है वो किस तरह होगा कि आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लिखेंगे। देखिए तो बी चला जाएगा कहाँ पे, वाई पे, और इस तरह इस निशान से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि देखिए बी है, बी की पावर आप क्या ले, वाई, मतलब बी की पावर मैंने वाई लिया, इक्वल ले ले एक्स को, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आप ये सीख ले कि आप इसके इन्वर्स से एक्सपोनेंशियल किस तरह बनाएंगे और एक्सपोनेंशियल से इसका इन्वर्स किस तरह बनाएंगे। ये इसका इन्वर्स था, मैंने इस एक्सपोनेंशियल बना दिया, अब इस एक्सपोनेंशियल से मैं दोबारा ये बना रहा हूँ, तो इसका तरीका क्या होगा, देखिए वाई आप इक्वल ले ले वाई,
और किसकी, लॉग बी बी बेस बी। तो ये देखें क्या है कि ये हमारे पास इन्वर्स है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, और ये हमारे पास मैंने उससे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बना दिया, फिर मैंने उससे इन्वर्स बना दिया। तो आपको ये इलम होना चाहिए कि आप किस तरह किसी भी फंक्शन का उसका इन्वर्स लेंगे, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स किस तरह होता है और उसको उसके इन्वर्स को किस तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो आप इससे भी आ जाएगा एक्सरसाइज में, जो क्वेश्चन नंबर थ्री है पेज नंबर 22 में। अच्छा एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर थ्री है ना, आपको क्या है कि लॉग बी मतलब 27 लॉग 327 इज इक्वल टू 3 की पावर 27। आप क्वेश्चन को देख ले, इसका ये इस तरह क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब जिस तरह मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि आप इसको इसके बेस पर आप बात करेंगे log b of y is equal to log b of x, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमारे पास ये 3 है, ये हमारे पास y है और ये log है, ये 3 जो यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पर b है और ये 27 जो है ये x है, ठीक है। तो इसका जो तरीका था मैंने बताया था ना कि आप इस तरह करें कि b की पावर ये ले लें, ठीक है, और इसकी इक्वल ले लें। तो आप इस पर काम कर लें, ठीक है। b हमारे पास क्या है 3, तो 3 की पावर आप क्या ले लें, 3 की पावर 3 ले लें और आप इक्वल ले लें किसकी 27, ठीक है। तो इसका आंसर होंगे, ठीक है। अच्छा इसको आप देखेंगे यही बात करेंगे, ठीक है, कि b की पावर y ले लें, ठीक है, b की पावर क्या ले लें y ले लें और इक्वल ले किसकी x की। तो मैंने क्या किया, ये हमारे पास b है ना 3, तो 3 की पावर मैंने 3 ले लिया और इक्वल कर दिया, ये हमारे पास इक्वल ले लिया 27 का। अगर आप इसमें देख लेगा कैलकुलेशन है तो आप 3 की पावर 3 ले लें, आपको आंसर आ जाएगा। अच्छा बुक में जो आंसर हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। अच्छा एक और बात याद रखिएगा कि ये हमारे पास जो फंक्शन है ना ये वाला, ये हमारे पास इस ये हमारे पास लो इनवर्स है, इसका इन्वर्स ये है, ठीक है। अब देखिए अब ये हमको इन्वर्स दिया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि आप इसका एक्सपोनेंशियल बना लें, तो हमने इसका एक्सपोनेंशियल बना दिया, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर जो नीचे क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर जो हमारे पास है वो हमको इन्वर्स दिया गया है, उस हमको एक्सपोनेंशियल दिया गया है और इसका इन्वर्स हमने फाइंड करना होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 4 में पहला पार्ट है, आप इसको देखिए 49 = 7 का स्क्वायर। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास क्या था, हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये इसका इन्वर्स था वाई इज इक्वल टू लॉग बी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका जो एक्सपोनेंशियल क्या था बी की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स, तो ये जो था ना ये देखिए, अब हमको ये फॉर्म दिया गया है ये वाला b की पावर y इज इक्वल टू एक्स, हमने इससे क्या करना होगा y इज इक्वल टू log b of x, हमने इसको फाइंड इससे फाइंड करना होगा। तो देखिए तरीका वही होगा, देखिए b हमारे पास ये 7 है, y हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 49 है, ये है x, ठीक है। तो जिस तरह उसका तरीका था इस तरह ये भी करेंगे, देखिए कि y इसमें क्या है, y को आप देख रहे हैं y हमारे पास 2 है, ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू, ठीक है, log। अच्छा b हमारे पास क्या है, b आप देख लेना, b हमारे पास है 49 और हमारे पास जो x है वो हमारे पास 7 है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका इन्वर्स हो गया। हमको क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एक्सप्लेनेशन फंक्शन दिया गया है, कह रहा है कि इसका आप इन्वर्स फाइंड कर ले, तो ये इसका इन्वर्स हो गया। अब देखिए आप दोबारा इसे एक्सप्लेनेशन बनाएंगे तो देखिए 49 को ले लें, ठीक है। अच्छा देखिए ना हमको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, हमने इसका इन्वर्स बना दिया, ठीक है। आप इसकी मदद से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा वाई जी को लोग बी ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा जी बिल्कुल 49 = 2, तो यही पर ये क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मेंशन है, आप इसको कर ले, ठीक है। अच्छा ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये भी आपको मतलब क्लियर होने चाहिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि आप x और y और b की वैल्यू फाइंड कर ले, इंतहाई ही आसान है कि log 3 इज इक्वल टू, देखिए हम क्या करेंगे कि आप इस तरह कर लेना कि आप इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाएंगे, जब भी आपके इन्वर्स आ जाए ना और आपको कह रहा है कि आप x या b या a की वैल्यू फाइंड कर ले, तो सबसे पहले आप उसको कन्वर्ट कर ले एक्सपोनेंशियल में। एक्सपोनेंशियल का तरीका आपको याद होना चाहिए कि देखिए y इज इक्वल टू log, मैं फिर बता रहा हूँ, log b ऑफ x। एक्सपोनेंशियल का तरीका ये है कि आप इस तरह कर ले कि अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है तो आप इसको एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले चेंज कर लें, ठीक है। मतलब क्या है कि b की पावर y इज इक्वल टू x, आप
आफ्टर डेट आप इससे क्या कर सकते हैं, आप इसे एक्स और वाई की वैल्यू आप इसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसको एक्सप्लेनेशन में शिफ्ट करो। ऊपर थ्री और फोर क्वेश्चन अगर आप सीख गए हो तो आप इसके बाद ये फाइव नंबर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाई अननोन एक्स। अच्छा, ये हमारे पास जो लॉ के कुछ क्वेश्चन ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो आ जाते हैं कि लॉ की, हम इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। लॉ की प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम आप पेज नंबर 18 पर इसकी देख लें कि प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। तो इसको इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो पेज नंबर 18 पे आप देख लें, जब आप 18 नंबर की जो पेज नंबर 18 पे जो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम है, जब आप इसको करेंगे ना, तो आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 मेरे ख्याल से है वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं है, सिंपल ये बात की गई है कि जब भी आप किसी भी दो, आप यहाँ कुछ इसमें ज़्यादातर ये प्रॉपर्टी नंबर 6 और ये 5 और ये इस्तेमाल हुई है, तो आप इसको सारे को कर ले, मतलब बी लॉग, देखिए बी टू द बेस लॉग टू द बेस बी 1 इज इक्वल टू 0, सिंपल ही बात है, बिल्कुल ये 0 के बराबर है। अच्छा देखिए, लॉग बी बेस बी पावर बी इज इक्वल टू 1, बिल्कुल बराबर है। इसकी प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी किस्म की मेंशन नहीं की गई है कि आप इसको प्रूफ करें, बल्कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि आप इसकी प्रॉपर्टी को देख लें। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ही बताऊँगा कि मैं जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करूँगा तो आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये सारी जो प्रॉपर्टी है पेज नंबर 18 पर, ठीक है। अच्छा, अब इस पर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक्सरसाइज में, देखिए ये इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, ये पेपर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जब आप एक पार्ट करेंगे ना, एक पार्ट जो पहला पार्ट भी जब आप करेंगे इसमें, तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले मैं कर लेता हूँ ये क्वेश्चन नंबर ए पार्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है देखिए, अब इसमें है क्या, देखिए लॉग बी एक्स इज इक्वल टू बाई 3 लॉग एच प्लस 1 बाई 2 लॉग 9 माइनस लॉग बी। अच्छा, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है गिवन है। अच्छा, अब इसका तरीका क्या होगा, देखिए इसका जो तरीका है वो क्या है, देखिए लॉग बी ऑफ एक्स इक्वल टू, ये 2 बाई 3 को हम इस तरफ, ये लॉग ये 8 की पावर में भी लिख सकते हैं, 8 की पावर में भी लिख सकते हैं, किस तरह, देखिए लॉग 8 ये उस तरफ चला जाएगा तो ये 2 बाई 3 हो जाएगा, प्लस ये 1 बाई 2 9 की पावर में चला जाएगा, मतलब क्या है कि लॉग 9 की पावर 1 बाई 2 हो जाएगा और माइनस लॉग बी की पावर से सी अपनी जगह पर होगा, ठीक है। अब देखिए, अब 8 का इस तरह पावर लेना, इस तरह नंबर का आप पावर ले 3, इस तरह का मतलब 8 की पावर क्या लेंगे कि जिससे हमारे पास ऊपर इसका पावर 3 आ जाए, मतलब अगर जब आप 2 की पावर 3 लेंगे ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, 2 2 4 4 2 8, बिल्कुल इस तरह हो सकता है कि लॉग 8 की पावर हम इस तरह करें कि 2 की पावर जब 3 हम लेंगे ना, तो ये हमारे पास दोबारा वही 8 आ रहा है, ठीक है, 2 बाई 3 अपनी जगह पर, ठीक है, और प्लस लॉग। अब इस तरह किस नंबर की हम पावर, ऐसी नंबर की हम पावर लेंगे कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास 9 आ जाए, तो देखिए 9 जब आप 3 की पावर 2 लेंगे तो है क्या होता है, मतलब क्या है कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3, इस तरह आप देखिए यहाँ पे मेरा फॉर्क में आपको बताता चलूँ कि आप 9 में 9 को इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 9 को कि 3 की पावर 2, दोबारा उससे वही 9 आ रहा है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3 की पावर 2 और होल पावर अपनी जगह पर 1 बाई 2 और माइनस लॉग बी 6, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये जो है यहाँ पर ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या रह जाएगा, देखिए लॉग 2 लॉग बी, ये बी है, ठीक है, 2 प्लस लॉग बेस 3, ये 2 की पावर 2 है, ठीक है। अच्छा, और माइनस लॉग बेस बी पावर 6, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी भी है कि जब भी आप दो लॉग, मतलब क्या है कि इन दोनों को देखें, इन दोनों को देखें कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन में देखें, आपको इस तरह का लॉग नज़र आ जाए और उसमें एडिशन हो, दो लॉग के दरमियान एडिशन हो, तो हम उसके जो साथ में जो नंबर्स है, कोफिशिएंट आप इसको कह सकते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब क्या है देखें कि लॉग जी, तो सबसे पहले 2 की पावर 2 जब आप लेंगे तो 4 प्लस
लॉग बी थ्री अपनी जगह पर माइनस लॉग बी सिक्स अपनी जगह पर। देखिए हमने कहा कि एडिशन को हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, ये टेंथ में भी है, फर्स्ट ईयर में भी है, टेंथ में भी है कि हम लॉग टेन में है आजकल, कि हम लॉग में लॉग को किस तरह कर सकते हैं कि लॉग में जब एडिशन आ जाए तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो किस तरह मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे, देखें लॉग अपनी जगह फोर को आप मल्टीप्लाई कर दें थ्री के साथ और माइनस लॉग बी ऑफ सिक्स अपनी जगह पर। देखें अब ये क्या हो जाएगा, देखें लॉग बी ये फोर थ्री ज़्यादा ये ट्वेल्व हो गया और माइनस लॉग बी ऑफ सिक्स अपनी जगह पर। अब देखें हमने ये भी कहा था एक प्रॉपर्टी इसमें ये भी है कि हम जब भी किसी दो लॉग के दरमियान सब्ट्रैक्शन हो तो हम उसको डिवीजन में लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ, देखें कि लॉग टू द बेस बी अच्छा 12 डिवाइडेड बाय 6, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, 6 वन ज़ार 6, 6 टू ज़ार 12, लॉग 2 बाय 1, मतलब क्या है ये अपनी जगह पर इस तरह आ रहा है, ठीक है अच्छा, इज इक्वल टू लॉग बी ऑफ 2, तो x की जो वैल्यू हमारे पास है वो 2 है, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। अच्छा जब भी आप इसको देखेंगे ना, इस सवाल को करेंगे तो आपको इससे एक प्रॉपर्टी भी क्लियर हो जाएगी, और जो एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन नंबर 6 1.2 में क्वेश्चन नंबर 6 में पहला दूसरा ये तकरीबन ए बी सी डी 4-5 पार्ट से 6, तो ये बिल्कुल इसी तरह है। आप इसी प्रॉपर्टी को जब आप ये क्या है, देखिए आप ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही प्रॉपर्टी है जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इस तरह आप क्वेश्चन नंबर बी को भी कर सकते हैं, बिल्कुल वही सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल वो भी इस तरह है, उसमें क्या है, उसमें डायरेक्ट आप इस तरह कर लें, बिल्कुल इस तरह है, पहले दो के जिस तरह है उस तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी है, मतलब सी भी है। अच्छा डी भी उस तरह, अच्छा डी को मैं लॉग टू द बेस, अच्छा अब देखिए मैं डी नंबर आपको एक पार्ट इसमें डी नंबर भी करवाऊंगा क्योंकि उसमें थोड़ी हमको एक बात की गई है। तो देखिए डी नंबर में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, डी क्या है कि लॉग बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग क्या है, एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू लॉग बी। अच्छा जी तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, जब आप ये करेंगे तो इसी जो नीचे जो पार्ट्स है वो आप कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका तरीका क्या होगा, देखिए लॉग बी ऑफ, मैं दोबारा लिख देता हूँ, लॉग बी ऑफ एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू लॉग बी ऑफ 21। अब यहाँ पे देखिए हमने कहा था कि जब भी दो लोगों की लॉग के दरमियान एडिशन आ जाए तो हम उसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो लॉग बी ऑफ एक्स ये है एक्स इंटू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू लॉग बी ऑफ 21। हमने एक्स फाइंड करना है तो देखिए एक्स इंटू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू 21, लॉग को हमने छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा x को अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू 21, ठीक है। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स ये प्लस है तो इससे भी माइनस 21 इक्वल टू 0। अब ये आप दो तरीकों से कर सकते हैं, आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई 2 ए, ये भी है, और आप इसको सम एंड प्रोडक्ट के मेथड से भी कर सकते हैं। हमने कहा था कि सम एंड प्रोडक्ट का तरीका क्या था, देखिए 121 तो इसमें हमारे पास प्लस प्लस 3 और माइनस 7 से हमारे पास माइनस 4 आता है, प्लस इंटू माइनस माइनस करेंगे निशान बड़े करेंगे बिल्कुल, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 20। अच्छा जी तो इसको मैं करने जा रहा हूँ किस चीज़ से, मैं इसको करने जा रहा हूँ सम एंड प्रोडक्ट से, आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं और सम एंड प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। तो देखिए जब हम लेंगे प्लस 3 और माइनस 7 लेंगे तो देखिए प्लस इंटू माइनस इससे वही माइनस 4 आ रहा है, ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 21 आएगा, 7 3 4, ठीक है। तो अब देखिए हम इसका अब इसका तरीका क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 4
एक्स सॉरी शट यार, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7x माइनस 21 इज इक्वल टू जीरो। अच्छा मैंने इसे एक्स कॉमन लिया तो इधर रह जाएगा एक्स प्लस 3, और इसे मैंने माइनस 7 कॉमन लिया तो एक्स प्लस 3 इधर भी रह जाएगा। ठीक है, तो एक्स एक है एक्स प्लस 3, ठीक है, और दूसरा है एक्स माइनस 7 जीरो। अच्छा एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, और एक्स माइनस 7 इक्वल टू जीरो। एक्स फाइंड करना है, ये 3 इस तरफ हो जाएगा, ये माइनस 3 हो जाएगा और इससे ये प्लस हो जाएगा। तो एक्स की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक माइनस 3 और एक प्लस 7। ये इसका आंसर हो गया।